हाँ भैया, हाँ भैया, जरूर करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे जरूर। अरे डिस्टर्ब कोई बात नहीं है, और कोई भी दिक्कत हो सॉल्यूशन के लिए हमेशा रोड स्टार है आपका साथ में है तुझे। ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। आप लोग बढ़िया यार, आप हाँप रहे इतना क्यों? तो अभी हमें रास्ते में बाबा जी मिल चुके हैं और बाबा भी चार धाम की यात्रा कर रहे हैं। जो वहाँ का पानी है ना, काफ़ी प्रेशर है और काफ़ी छीटा आ रहा है, पूरा इधर में भर चुका है। और उधर में थोड़ा देर पहले रेनबो भी निकला था। नाइट में राइड करने के लिए ये रोड सही नहीं है, अगर आप करें तो दिन में करो, सेफ राइड करो, सबसे बेस्ट रहेगा। हम लोग आए नीचे से और अभी हम जाएंगे ऊपर, इस रास्ते से जाएंगे ऊपर। पहाड़ चढ़ने में ना सांस फूलने लगता है। अभी तो हमें पैदल यात्रा ही करना पड़ेगा कोई उपाय भी नहीं है, लेकिन पैदल यात्रा भी जरूरी है कुछ देर के लिए। अगर हमेशा मज़ा मिलेगा ना तो मज़ा नहीं आए, थोड़ा दिक्कत भी जरूरी है। ये है इधर का बकरी, पूरा लाइन लगा हुआ बकरी का। गाड़ी आ रहा है, रास्ता देखो काफ़ी डेंजर है ना, इस रास्ते में काफ़ी जाम लगती है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस वहाँ पे हम रुके थे टर्निंग पे, देन वहाँ पर एक मंदिर है, तो बाबा ने बोले कि रुको बैठो चाय पियो, तो हमने चाय पिए। तो हमने बाबा को बोला बाबा हमारे तरफ से कुछ सेवा हो तो बताइए, तो बाबा ने बोले सेवा करनी है तो जाओ पानी लेके आ जाओ। तो बाबा एक दे रहे थे, हमने बोला बाबा थोड़ी सी है, आप कहीं पानी रख लो और दोनों दे दो डब्बा, हम पानी लेके आते हैं। तो अभी हम पानी भरने आ गए, देखो कितनी थोड़ी सी पानी आ रही है इधर से, बहुत थोड़ी सी आ रही है। और यही पानी हम लोग पीते हैं, चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, सब चीज़ में काम आता है। और यहाँ पर ना थोड़ा टाइम लग गया बिकॉज पानी धीरे धीरे आ रही है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, देन बाबा जी को देकर हम लोग निकल जाएंगे। तो फाइनली गाइस अपन निकल चुके हैं यहाँ से। बाबा बोल रहे थे कोई नहीं रुको, प्रसाद उरसाद खा के जाना। हमने बोला नहीं बाबा लेट हो जाएगी। कोई नहीं, इधर पैसा वैसा नहीं लगने वाले हैं, भोजन जो बनेगी वो हम खिलाएंगे और हम भी खाएंगे। हमने बोले नहीं बाबा लेट हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमारे पास खर्चा पानी भी नहीं है। तो खर्चा पानी की इधर कोई टेंशन नहीं है, सब बाबा करेंगे। हमने बोला नहीं बाबा हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, हमने एक महीना का टारगेट ले रखे थे, तो अब ज़्यादा हो रहा है हमारा टारगेट। बाबा निकलते आशीर्वाद दीजिए, फिर उनका आशीर्वाद लेकर हम लोग निकल आए। इस पर्यावरण से ना एक मुझे अलग सा लगाव हो गया है, तो अभी हमें थोड़ा सा चढ़ाना पड़ेगा इस वाले जगह को दम लगा के। हाँ चढ़ गया। कभी कल अपन पहाड़ चढ़ा लेते हैं, सोचते हैं कि चढ़ा पाएंगे या नहीं पाएंगे, लेकिन चढ़ा लेते हैं। नाइट में राइड करने के लिए ये रोड सही नहीं है, अगर आप करें तो दिन में करो, सेफ राइड करो, सबसे बेस्ट रहेगा। अनिनी में मैं जिसके साथ गया था बिट्टू भैया के साथ, वो तो राइड क्या मस्त कर रहे थे, नाइट में भी उतना ख़राब रास्ता में चला पा रहे थे। तो फाइनली गाइस अपन आ चुके हैं गंगा ननी, और ये है गंगा ननी। अगला बार आने का टाइम में मैं बहुत ज़्यादा आगे निकल आया था, तो यहाँ पर स्नान नहीं कर पाया था हम। यहाँ पर गर्म कुंड है, कोई बैनर नहीं है, उसके वजह से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ नहाए कहाँ नहीं, लेकिन यहाँ पर एक गर्म कुंड है। तो गाइस अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं, और रास्ता देखो कितना डेंजर है, काफ़ी डेंजर है। और उधर से एक गाड़ी आ रही है, और यहाँ से धरासू 64 है, ऋषिकेश 206 है। तो हम लोग का धरासू भी नहीं जाना है, ऋषिकेश भी नहीं जाना है, हमें जाना है कहाँ पे, उत्तरकाशी से 2 किलोमीटर पहले से टर्न ले लेना है, लेफ्ट टर्न, उसके बाद केदारनाथ वाला साइड में हम घुस जाएंगे। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। तो गाइस ये है भटवारी टाउन, अभी हमें एकदम से डाउन होना पड़ेगा। छोड़ दो ब्रेक, पूरा ब्रेक छोड़ दो, अब एकदम से उठना पड़ेगा हमें। चढ़ जा, थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा हमें भी। चढ़ गए, कहीं अच्छा भी है तो कहीं ख़राब भी है, लेकिन मज़ा आता है।
जहाँ ढूंढने को मिलता है ना वहाँ मज़ा आता है, जहाँ चढ़ाना पड़ता है वहाँ पे थोड़ा हालत ख़राब होता है। हर हर महादेव, श्री राम। यहाँ से मनेरी जो है 12 किलोमीटर है और थोड़े देर बाद हमें पहाड़ चढ़ाना पड़ेगा। तो अभी हमें रास्ते में बाबा जी मिल चुके हैं और बाबा भी चार धाम की यात्रा कर रहे हैं। आप चार धाम की यात्रा कर रहे हैं ना साइकिल से, और इनका साइकिल का कंडीशन काफ़ी ख़राब है, टायर जो है पूरा घिस चुका है। और अभी बाबा जी का साइकिल में हवा कम था तो बाबा जी बोले पंप है, हमने बोला हाँ है, तो थोड़ा हवा मार दो। तो हम और प्रदीप मिल के साइकिल में हवा मार रहे हैं बाबा जी का। तो बाबा जी आप कब से निकले अयोध्या से? हो गया एक महीना। एक महीना हो गया अयोध्या से? चित्रकूट होके आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मथुरा ऐसे होके, दिल्ली मेरठ ऐसे होके आ रहा हूँ। अच्छा चलिए, अच्छा बात है, आपका यात्रा मंगलमय हो बाबा। तो बाबा चार धाम की यात्रा कर रहे हैं, महीना दिन हो गया घर से निकला हुआ। चलो ये पंप किसी का तो काम में आया। देखो रास्ते में ना जो भी मिले यार हेल्प करो यार, अभी इधर से पूरा चढ़ाई मिलने वाला है बाबा को। अभी इधर से बहुत चढ़ाई है, कम से कम यहाँ से नहीं भी तो 50 किलोमीटर पूरा चढ़ाई चढ़ाई है, उसके बाद ही जाके थोड़ा डाउन मिलेगा 10-5 किलोमीटर, नहीं तो पूरा का पूरा चढ़ाई ही है पूरा गंगोत्री तक। और जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं, वैसा नहीं है कि ना इतना डिमांड किया दक्षिणा का उतना देना ही पड़े, कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते, उल्टा हम लोग को खिलाया है, बोला है कि तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग जो मन हो वो सेवा कर सकते हो। तो आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, लंच करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग का मंजिल जारी रहेगा। तो चले? हाँ भाई चलो। सबसे पहले तो इस पंप को डालना पड़ेगा हमें। सो गाइस, तो अभी हमारा साइकिल में एक दिक्कत आ गई है, इसका जो ब्रेक है ना इसको मार दिया ब्रेक, अब हमारा ब्रेक काम नहीं कर रहा है, पूरा चक्का जाम हो गया, वापस से पहले जैसा प्रॉब्लम हो गया। तो अभी मैं पंकज भैया को कॉल करूँगा, अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ब्रेक तो चाहिए क्योंकि पहाड़ ढलना पड़ रहा है तो दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी हम बच गए, राम भरोसे बच गए वहाँ पे, नहीं तो डायरेक्ट गड्ढा में जाते। इसको पहले सही करना पड़ेगा, थोड़ा फ्री हो गया, जब तक इसको हम वैसे नहीं करेंगे तब तक चक्का नहीं जाएगा। एक बार मैं पंकज भैया को कॉल कर लेता हूँ, रोड स्टार। उससे पहले एक छोटा सा हमें वीडियो बनाना पड़ेगा इसका, ताकि ये वीडियो उनको भेज सके और वो प्रॉब्लम को सही से बता पाए कि क्या दिक्कत है। तो हमने वीडियो भेज दिया है और उनको मैंने कॉल करके भी बोल दिया, भैया एक बार वीडियो देख लीजिए आप, देन हम वापस से उनको कॉल करेंगे। भैया इधर से हमें क्या करना होगा, हमारे पास रिंच है, आप बताइए हमें क्या करना होगा। केबल है, हाँ केबल में जो लगा हुआ है वो कान पूरा लूज कर दीजिए। तो अच्छा अच्छा ठीक है हम करते हैं। हाँ लूज कर दिया, अंदर से ब्रेक टाइट दो, अंदर से देखो एक स्क्रू में ब्रेक टाइट करने वाला। हाँ हाँ है हाँ थोड़ा सा कर दिया, कर दिया। हाँ अभी केबल मामूली इधर से टाइट दो। थैंक यू भैया, हो गया हो गया कर दिया हमने। थैंक यू। आप हमको कॉल कर सकते हैं, ठीक है? हाँ भैया जरूर करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे जरूर। अरे डिस्टर्ब कोई बात नहीं है, और कोई भी दिक्कत हो सॉल्यूशन के लिए हमेशा रोड स्टार है आपका साथ में है, ठीक है? ठीक है भैया, थैंक यू सो मच भैया। हर हर महादेव। हर हर महादेव, ठीक है भैया, बाय। ओके बाय। तो अब अपना साइकिल भी ठीक हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, अब ब्रेक आराम से लगा के जाएंगे। और यह है गंगा नदी और वहाँ पे डैम बनाया गया है बिजली के लिए। अगला बार आप लोगों को मैं दिखा नहीं पाया था तो इसलिए रिटर्न होते समय आप लोगों को दिखा दिया, वो वहाँ पर डैम है, वहाँ से जो है बिजली उत्पन्न होता है और आसपास के इलाकों में वहाँ से बिजली जाता है। आसाम से आ रहे हैं हम लोग। आसाम से अकेले हो? दो है हम लोग, एक हमें और एक हो रहा। 2900 चल चुके हैं। 2900 चल चुके हैं। अब आगे कहाँ जा रहा है? केदारनाथ, तीसरा धाम। केदारनाथ जा रहे हैं जी? पक्का यार, आप लोग पड़ेगा यार, आप हाँ पर इतना क्यों? हम लोग प्लेन से है ना, प्लेन से प्लेन से ही है। नहीं पर हम लोग इतनी आदत नहीं ना, और एज बहुत है हमारी ना। अच्छा 50 से 50 50 का हाफ सेंचुरी मारने वाले भाई। नीचे से आए ऊपर? नीचे से ऊपर आए ना। कहाँ से आप? लखनऊ, यूपी। अच्छा यूपी से आप? अच्छा
नाइस मीटिंग यू, योर गुड नेम? रोशन. रोशन, ओके. माय सेल्फ सुशील. सुशील. एंड आपका? अभिषेक. अभिषेक. हम वी आर फाइव ग्रुप, फाइव पर्सन इन अ ग्रुप, ऑल आर टीचर्स. सारे टीचर ही है? इंटर आईएससी आईसीएससी वी आर टीचिंग. भैया अच्छा लगा आपसे मिलके. Okay. मतलब आप लोग मिलते हो ना तो एक अलग से मोटिवेट मिलता है. बिल्कुल. दोनों को अलग से मोटिवेट मिलता है. मतलब जहाँ जहाँ नहीं जाना चाहिए ना वहाँ पर भी हम लोग रन कर देते हैं अभी. बिल्कुल भाई, हम लोग तो रास्ते में देख रहे थे कि आप लोगों को देख रहा था कि आप लोग चलो भाई. हाँ, हाँ यार इतना लंबा रन करना. और वो तभी मैंने देखा था जाते समय देखा. कोई बात नहीं भैया, लखनऊ में मिलेंगे. बिल्कुल. लखनऊ में कहाँ से? इंद्रानगर. इंद्रा नगर. ये आपका महानगर से कितना दूर पड़ता है? आई थिंक 4 किलोमीटर. 4 किलोमीटर मिलना है. नंबर लीजिए. श्योर. बिल्कुल. जरूर जरूर. नंबर लीजिए. आइए लीजिए. आइए हमारे साथ कुछ खाइए पीजिए. जरूर जरूर जरूर. क्यों नहीं. हर हर महादेव. मिलते हैं लखनऊ जल्दी. बिल्कुल. बाय बाय. तो गाइस वहाँ पर रेनबो दिखाई दे रहा है. उस दिन तो हम इसके नीचे नहीं आए थे लेकिन अभी हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं इसे देखने के लिए. और पूरा छीटा मार रहा है, पानी का पूरा छीटा आ रहा है उधर से. और वहाँ पर शायद हमारे ख्याल से डैम बना गया है. डैम की वजह से शायद इतना प्रेशर आ रहा है हमारे ख्याल से. अब क्या है हमें भी पता नहीं है सही से. अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना. जो वहाँ का पानी है ना काफ़ी प्रेशर है और काफ़ी छीटा आ रहा है. पूरा इधर में भर चुका है. और उधर में थोड़ा देर पहले रेनबो भी निकला था. तो गाइस चलो अब यहाँ से निकलते हैं. बहुत ज़्यादा हमने एंजॉय कर लिया. फोटो से तो बहुत ज़्यादा मार लिया. बहुत अच्छा लगा यहाँ पर. और ठंडा ठंडा हवा आ रहा है इधर से. और उस दिन तो हम लोग नीचे नहीं आया था. अभी इधर घुस लिया. अच्छा लगा.